अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा नाम मुसा फीज है। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि आज वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गया और पहला मैच जो है न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का मैच है। न्यूजीलैंड ने को इंग्लैंड ने जो टारगेट दिया 270 रन की दिया, और मुझे सबसे शॉकिंग जो लगी खेस जो हर तरफ कंट्रोवर्सी भी जारी है कि जो क्राउड है वो बिल्कुल खाली है। जैसे अब इंडिया के लोग जो थे वो तनकीद कर रहे थे कि जैसे विक्रांत गुप्ता ने खास करके किया था कि वेरी डिसअपॉइंटिंग के सिर्फ कुछ बंदे या पाकिस्तान और नेपाल का मैच देखें, ओपनिंग सेरेमनी पहला मैच है और इस तरह के, और बहुत ट्रेंडिंग पे चला था इंडिया में हर तरफ के पाकिस्तान में एशिया कप हो रहा है और आवाम देखने नहीं आई। तो वही ट्रेंड जो है आप पाकिस्तानी करिए, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर मुश्किल बात का लम पे तो आज आप पे आ गए कि बंदे नहीं आए मैच देखने। बंदे ना आने की मेन रीज़न जो है मेरे ख्याल में इतनी गर्मी है, जिस वजह से अहमदाबाद में इतनी सिचुएशन ऐसी है कि आवाम देखने नहीं आई। इसमें मेरे ख्याल में कोई क्रिटिसाइज करने वाली भी बात नहीं है कि इंडिया का और पाकिस्तान का या इंडिया के मैचेस नहीं है कि आवाम इंडिया के मैचेस देखने आएगी। लेकिन अब जैसा कि है पाकिस्तान के मैचेस पर इनकी तनकीद शुरू कर दी थी कि हालांकि इस गर्मी में है इतनी सिचुएशन गर्मी के हालात में अब शाम के टाइम फिर थोड़ी बहुत दुनिया आवाम देखने आ गई है, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान पर भी ऐसी बिलावजह तनकीद कर रहे थे क्योंकि शाम के टाइम आवाम दोबारा आ गई थी जो मैच आ रहा था पाकिस्तान और नेपाल का देखने के लिए। बाकी जो बांग्लादेश का लाहौर में मैच हुआ है, सारे मैचेस हुए हैं बांग्लादेश और श्रीलंका, वन में भी क्राउड फुल थे। तो आगे वाले मैचेस में जैसे जैसे वर्ल्ड कप का मोमेंटम बनेगा वहाँ मैच देखने आएगी।